राम जी की। पहुंच गए आप लोग, अब बताइए क्या सुनेंगे, बेइज्जती वाले जोक या डबल मीनिंग जोक? लेकिन हम पहले ही बता देते हैं, बेइज्जती वाले जोक की अनलिमिटेड हंसी होगी और डबल मीनिंग वाले जोक की हंसी विद अर्चना इफेक्ट। दाम मंजूर हो तो बोलो, बाद में कोई खिटपिट नहीं चाहिए हमको। हाँ, क्योंकि बेफजूल की बातें करने की आदत तो मैं है नहीं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपका स्वागत करते हैं बिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर में। तालियों से स्वागत कीजिए कांटे की टक्कर के ठाकुर बलदेव सिंह यानी शेखर सुमन और उनके साथ है शर्मीली शांत और चुप चुप रहने वाली कॉमेडी के ठाकुरों की बहू अर्चना पुरन सिंह। आज कॉमेडी के इस रामगढ़ में हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े खलनायक गब्बर को करेंगे फिर से जिंदा अपने ही स्टाइल में, क्योंकि आज है हमारे गब्बर स्पेशल और आज हमने बुलाए हैं और भी कुछ खास मेहमान, और इनके स्वागत के लिए सबसे पहले आधे सिटी बजाओ, आधे तालियां बजाओ, बाकी मेरे संग चिल्लाओ, प्लीज वेलकम अंग्रेजों के जमाने के जेलर लड़की हमारे जेल में लड़की अंग्रेजों के जमाने में ऐसा कभी नहीं था। ओपो जेलर साहब, आज शो में वो सब कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ जी हाँ, अटेंशन। अच्छे जूते हैं। खामोश। ठीक है, अब आप अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, लेकिन हमने यहाँ तो देसी गब्बर बुलाए हैं और हम चाहते हैं आप उन्हें जरूर मिले। देसी गब्बर? जी हाँ। ये कौन है? ये आपको हम बाद में बताएंगे, पहले जाके अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। ओके। अंग्रेजों के जमाने के जेलर के बाद हमने बुलाए हैं गब्बर के दो खास गुंडों को। अरे तेरा क्या होगा रे कालिया? बसंती बसंती, हमने तो तुम्हारा डांस देखा है बसंती। ओफो, डांस देखा है तो आप पैसे भी फेंको। यूं कि गब्बर के साथ तुम सबने फ्री में मेरा डांस देखा, तो अब पैसे कौन देगा रामू चाचा? अरे ओ सांबा, कितना टिकट लगाया है रे हमारे डांस का? पूरे 50 रुपए। 50 रुपए? ओफो, यूं कि हमारे डांस क्लास की फीस इससे तो कई ज्यादा है, हम नहीं नाचने वाले 50 रुपए में, इसमें तो आपको जोक्स ही सुनने पड़ेंगे। अब एक काम करिए, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए और देखिए आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हम चलते हैं। चल रहे, तालियां बजाओ रहे हमारे सांभर कालिया के लिए। अभी अभी हमको धन्नो ने खबर दी है कि गब्बर जी बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। वो क्या है ना, हमारी मौसी गई थी जंगल और वहां गब्बर ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन गब्बर भूल गया है कि वो हमारी मौसी है। अब हमारी मौसी गब्बर की क्या हालत करती है जरा खुद ही देख लीजिए। सुअर के बच्चों,
रामजादे यमला पगला दीवाना हो रब्बा किसी बात पे न जाना ओ मैंने प्यार करती है सादे उत्ते ओ मरती है ओ समा ओ मैंने प्यार करती है सादे उत्ते ओ मरती है। ऐसे ही नाचता था वो हरामजादा वीरू। सत्तर बरस की कुंवारी कली हूँ लोटे में पानी मैं लेके चली हूँ ओ जोरा जोरी हाय जोरा जोरी गन्ने के खेत में ओ जोरा जोरी गन्ने के खेत में हाय ओ कैंडी पों 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 मैं किथे करूँ पों पों पों। कितनी बार कहा है कि गाना मत गाया कर। क्यों? मेरा डांस निकल जाता है। आया तो तू डांस कंट्रोल में कर, मैंने इतना कुछ कंट्रोल में किया हुआ है। ताली भंकस करते हैं। मैंने तुझे कई बार देखा है क्या कि तू इसी रास्ते से लोटा लेके लोटा करती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शादी की बात करने यही चला हूं। कर शादी की बात मुझे बड़ी जल्दी कर। अरे पहले वो तो कर ले जो करने आई है। वो तो तुमने मेरा जोरा जोरी में सारा पानी गिरा दिया, अब क्या करूं मैं। हंकस मत कर। क्यों मार रहा है मुझे? साली बहुत मोटी हो चुकी है रे। बता कितने आदमी थे? छह सरदार। वो छह और तुम एक, फिर भी तंदुरुस्त वापस आ गई। आह तंदुरुस्ती वापस आना था, छह बंदे ही ऐसे थे, मैं क्या करती, आ गई वापस। कौन थे वो? एक तो वो जो तेरी गोली से मर गया पहले, ठीक है, और दूसरा वो जवानी लुटाने की गोलियां खा खा के मर गया। तीसरा सुरमा भोपाली। उससे मैंने शादी कर ली ना, सुहाग रात को आया, आते ही कहने लगा ए ये भैया मैं कुछ करके दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम भी सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। तो जब सुहाग रात उसने इस तरीके से मनाई, सुबह मैंने कह दिया तेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही है। फिर मैं मुंह मुड़ के सो गई। चौथा जेलर। मैं क्या करूं अब, सामने मैं सच तो बोलूंगी ना। तू ये बता पांचवा कौन था? ठाकुर। इसने शादी से पहले तो मेरे साथ बड़ी जफियां डाली, बार बार मुझे गले लगाता था। अरे लेकिन शादी से पहले तो हमने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। फिर उसने सुहागरात में घूंघट कैसे उतारा? घूंघट उठाने के लिए तो इसके पैर ही काफी हैं। ये पैरों से घूंघट उठाया, घूंघट का घूंघट उठ गया और पैरी पैना का पैरी पैना हो गया। वेरी नाइस। फिर सुहागरात कैसे मनाई? सुहागरात कैसे मनाई? सारा हाथों वाला काम मैंने खुद किया। हाय बात तो पूरी सुन लिया कर। हाथों से इसको दूध पिलाया, इसके बाल बनाए, इसको शॉल उड़ाई मैंने। छोड़, छठवा कौन था? बता दूं? कालिया। कालिया तेरा मर्द था? अरे खाक मर्द है ये, हैं? जो सारी उम्र मेरे माथे पे बांच का कलंक लगा हुआ नहीं मिटा सका। सुन, तू बड़ी प्यारी है रे, क्या मैं तुझे प्यार से मौसी कह सकता हूँ? हाय हाय, चल कह दे। मौसी। हाय, इतना प्यार से बिना क्या मैं थप्पड़ मारना मुंह पे? खाली गब्बर को मारेगी। अरे ओ सांभा, इस बढ़िया को बता सरकार हम पे कितना इनाम रखी है रे? पूरे 50,000।
अरे यार आप अभी भी 50,000 पे अटके हो सर, 25 साल हो गए, कुछ तो बढ़ा दो। हमको दे दे मौसी। साली मिमिक्री करती है। गलती हो गई, माफ कर दे। अच्छा शादी कर ले मुझसे। तुझसे शादी करूं? हाँ। हट बढ़िया। अरे तुझसे तो अच्छा है कि मैं माइंड ब्लोइंग राधा से शादी कर लूं। यहाँ हमको दे दे राजा। है इसको ना बोल, इसके पति ने सुन लिया, ऐसा हाथ देगा सारी उम्र सोचता रहेगा तू। एक मिनट मेरी बात तो सुन ले, सुन मेरी बात। मुझे पता है तेरी औकात का पता चल गया, कभी उसको प्यार करता है, कभी उसको प्यार करता है। देख शादी जिससे मर्जी कर ले, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, रात को मेरे कमरे में बस आ जाया करो, है आधी रात को जब मर्जी हो, क्योंकि मेरे घुटनों में बड़ी दर्द होती है। आधा घंटा भी तू तेल लगा देगा ना मेरे घुटनों में, तो मेरी पीठ का सारा दर्द चला जाएगा। चल बुढ़िया, मैं सिर्फ राधा से शादी करूंगा। अरे इससे हाथ नहीं, माइंड ब्लोइंग राधा, माइंड ब्लोइंग राधा। ये हाथ ना मांग, जे मांगने हैं तो इनसे नंबर मांग ले, नंबर मांग ले, नंबर ही दे दो। ये जानते हैं कि मौसी और गब्बर की गुफ्तगू है ना कैसी लगी। अर्चना बोलिए। यू नो वो जो मैडनेस है ना तुम दोनों में, उस मैडनेस को हमेशा बरकरार रखो। तुम दोनों की खासियत ये है, तुम्हारी कॉमेडी, तुम्हारे ह्यूमर में एक पागलपन जो है, जो जुनून है, जो डांस करते हुए आए, बोला ऐसे डांस करता था अमीरू। आई मीन दैट इज योर सिग्नेचर आप दोनों का। बिगिनिंग बहुत अच्छा था, एंड बहुत अच्छा था, एंड यू आर ऑलवेज फैंटास्टिक। शेखर ठाकुर। शुरुआत बहुत बवालिया था, और ये मौसी जो है जहाँ से आ रही थी और जिस लिए आ रही और जिस लिए आ रही थी वो भी बहुत बहुत खूबसूरत था। वो आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी, तो हमें ऐसा लगा कि ये आने वाले चीज़ों का अंदेशा है जहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, पर वो मज़ा मैंने कहा कि वो हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में आया। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपका गब्बर ओरिजिनल है, बहुत ही ओरिजिनल है, और मौसी मुझे बड़ी सेक्सी लगी। आपको कैसा लगा ये? अरे ओ सांबा, कितना इनाम लगा रहे इन पर? 50 रुपए बोलू या 50,000 बोलू? अरे तुम जितने भी को हम 10 ऊपर लगाते हैं। थैंक यू। अच्छा अब बारी है मार्क्स की। फॉर योर एफर्ट्स 8 पॉइंट्स। अर्चना क्या देंगे सुमंत को? 8 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गब्बर आजकल एक बैंक का रिकवरी एजेंट बन गया है, और अभी वो अपने पैसों की रिकवरी करने पहुंच गया है एक तवायफ के पास। अब देखने वाली बात ये है कि गब्बर उस तवायफ से कैसे पूछेगा कि कितने आदमी थे। प्लीज वेलकम गब्बर अली एंड तवायफ काशिफ। दिल चीज क्या है आंख मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आंख मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सांबा ने तो कहा था कि मैडम बहुत कटीली नचनिया है, है? लेकिन यह तो ठकीली नचनिया निकली रे। मैं ग्राहक का मुंह देख के नाचती हूँ, रेशमा नाम है मेरा। हाँ अच्छे ग्राहकों के लिए अच्छा नाच, और तुझ जैसे थकेले लोगों के लिए थकेला डांस। बकवास बंद कर छोरी, ये बता तूने पैसे लिए थे? हाँ हाँ, तुम तो इससे पहले कभी आई नहीं मेरे पास, तो तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? हाँ मैं लोन की बात कर रहा हूँ। सुन हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार किसी के लोन में जाके कभी भी नहीं नाचते, जब भी नाचते हैं कोठे पे नाचते हैं। हाँ मैं बैंक से लिए मैं लोन की बात कर रहा हूँ। तूने लोन लिया था? हाँ लोन भी मैंने ही लिया था। कितना लिया था? पूरा 50,000।
कितना बाकी बचा? सिर्फ 50,000। सबसे पहले कब लिया था पैसा? सबसे पहले तब लिया था जब मैं 18 की थी। मैं बैंक से लिए हुए लोन की बात कर रहा हूँ। वो तो 2.5 साल पहले लिया था। क्या सोच कर लिया था कि गब्बर खुश होगा, मतलब बैंक खुश होगा, शाबाशी देगा, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ओए, सजा मिलेगी? मुझसे तो कहा था कि हॉलीडे पैकेज मिलेगा, 3 डेज और 18 नाइट्स इन बैंक। बैंक, सॉरी, कॉक कहना भूल गई, बैंकॉक। बैंकॉक का पैकेज उन लोगों को मिलता है जो वक्त पर किस्तें दे। तुमने अब तक कितनी किस्तें दी है? गिनी नहीं, जो भी आता था 2-3 किस्त तो ले ही जाता था। ये बताए छोरी, कितने आदमी थे? 2 तो पूरे आदमी थे, 1 का मुझे डाउट था। झूठ बोल रही है तू, झूठ। बताओ कितने किस्त मिले तुम्हें? देखो, किस्तें तो मैं सारी दे चुकी हूँ, समझे? और अब बस मेरे ज्यादा नजदीक आने की कोशिश मत करना, समझे? बड़ा आया किस्ते वसूल करने वाला गोबर सिंह। गोबर नहीं, गब्बर नाम है मेरा, गब्बर। यहाँ से 50-50 फ्लैट दूर। जब कर्जदार लोन नहीं चुकाता तो बैंक वाला कहता है दे 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 दे, वरना गब्बर आके जबरदस्ती ले लेगा। बात सुनो, तुम रिकवरी करने के लिए आयो ना? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मेरा तो काम ही रिकवरी कराना है। मेरे तो इस काम में डिप्लोमा किया हुआ है रिकवरी कराने में। तो चल करना रिकवरी। छोरी छोरी, हाथ मत लगाना। फिर क्या लगाऊं? बदन से मत लगाना मुझे छोरी। फिर क्या लगाऊं? ये मैं अपना पिस्तौल निकालूं। अरे पिस्तौल छोड़, इसकी गोलियां तो है ही नहीं इसमें। क्या कह रही हो? मैंने शोले 20 बार देखी, 3 गोलियां तो हवा में उड़ा दी थी और 3 काली और उसके साथियों को मार दी थी। अपने पास रखिए खाली बंदूक, समझे? और चल रिकवरी करा। रिकवरी कर आजा। बड़ा आया था रिकवरी करने, रेशमा नाम है मेरा, हीजड़ों की फौज रखी हुई है बैंक वालों ने रिकवरी के लिए। पैसे वैसे लेने आया था, इसको क्या पता ना मैं पैसे देती हूँ और ना वैसे देती हूँ, समझा? राधा जी, ये इनकी लड़ाई कैसी लगी? आपकी शुरुआत बढ़िया थी और अगेन एंडिंग में एक आध पंच बहुत बढ़िया थे, बीच में भी यू लिफ्टेड इट अप, लेकिन बहुत सारी पीक्स थी और वैली ज्यादा थी। So there was a little jholjhal in the script and performance. But you know I love you. And I'll take you home, huh, Reshma? इतने लोग इसको इतनी दफा इतनी तरीके से कर चुके हैं कि शायद जिस नएपन की हमें तलाश थी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई दे रहा अगेन इन स्पर्ट्स, बट इट वॉज नाइस इन पार्ट्स। अब अंग्रेजों के जमाने के जेल, एक फिल्म आई थी चार्ली चैपलिन ने बनाई थी अपने आखिरी दिनों में, जिसमें मार्लन ब्रांडो और सोफिया लॉरेन थे, इनसे बढ़िया एक्टर कभी वर्ल्ड में हुए नहीं। उसके बावजूद वो फिल्म फ्लॉप थी, बिकॉज उसमें स्क्रिप्ट नहीं थी, और ये बहुत बड़ी वीकनेस थी इस सिचुएशन में। ठीक है, अब मार्क्स की बारी। 8 पॉइंट्स। I hate to agree, but I have points. To agree. 8 points again, Shekhar. I hate to agree. Thank you. आज तक के सबसे बड़े विलन टकरा गए हैं एक टेलीविजन की वैम से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गब्बर में कुछ डिफेक्ट है, आप खुद ही देख लीजिए। ये कौन पागल मुझे किडनैप करके ले आया है? कहाँ है? कहाँ है? ओफो, ये कहाँ आ गया? हाँ, अरे उसको पता नहीं वो वैम्प को लेकर आया है। सामने आ, सामने आ। ये किस बेवकूफ उठा के ले आया तुम लोग? तुम्हारा सत्यानाश जाए, बेड़ा कर रखो, हाथ खुला फिर भी पट्टी नहीं खोल रही मनुष्य। सब अड्डे से भाग चुकी, गब्बर के अड्डे से नहीं भागेगी। अरे हाँ, लेकिन ये गब्बर है कहाँ? ये नजर नहीं आ रहा कड़ियल जवान?
मेरे साथ लगी ना, मेरा बंदूक चलाना अजीब है। था था एक उनका मारती हूँ, एक अपना मारती हूँ, बता दिया मैंने। तू गब्बर है कि रबर ठा ठा कर रहा है? वैसे तू ऐसे कैसे हो गया? मेरे आदमी की वजह से। तेरा भी आदमी? चल दफा यहाँ से। उसने क्या मेरी मांग में सिंदूर भरा था? मेरा आदमी, मेरी पार्टी का आदमी, कह देना ठाकुर से तूने हिजड़ों की फौज पाली हुई गब्बर ने, ठाकुर ने, ठाकुर ने बदला मुझसे ले लिया, हिजड़ा करके छोड़ दिया। कहाँ डाका डालते हैं? बहुत जगह डाला मैं डाका, खुदाई कसम, पुलिस स्टेशन गया था परसों, तो फिर वापिस आ गया। क्यों? अपनों को कोई लूटता है क्या? वैसे बताना किससे यार आना है? शेखर से। चल झूठी, अर्चना से बोलती तो मान लेता। दो बहनों का याराना होता कभी? अरे तुझे वैम्प्स के बारे में नहीं पता, तो किसी से भी याराना कर सकती है। ये वैम्प क्या है? वैम्प? अरे वैम्प वो औरत है जो अपने पति को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि वह सैटरडे नाइट घर वापस नहीं आया। वैम्प वो औरत होती है जो अपने सगे माँ बाप पर सिर्फ इसीलिए छापा पड़वा देती है ताकि उसके और कोई भाई बहन ना। यार दफा हो, माँ बाप का एंजॉयमेंट खराब करने वाली औरत। तू तो डाकू से भी गई गुजरी है। गई गुजरी नहीं कहना मुझे। अरे हम वैम्प्स तो डाकुओं की माँ है। माँ माँ मुझे भूख लगी है। चल दफा हो यहाँ से। तू है कौन? सच सच कह। रजिया खाला बीसियां डालती है मोहल्ले में। बताया ना गब्बर हूँ गब्बर। यहाँ से पचास पचास गज दूर जब रात को बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ कहती पी ले वरना गब्बर आके सारा का सारा पी जाएगा। बोतल से। तू ये बता कितने आदमी थे? तू बता मेरे कितने आदमी थे? दो फ्री वाले थे, एक पैसे वाला था। लेकिन तीनों ही फ्री में पड़ा मनुष्य। क्या मतलब? बस में लूटने गया था, तेरा जहन ही गंदा है। मेरा आदमी पैसे लेके भाग गया ना, मुझे तो फ्री में पड़ा ना। फिर मैंने दूसरे बस में डाका डाला, वहाँ 60,000 इकट्ठा किया लोगों से। तो उन पैसों का क्या किया? वापस कर दिया सबको। क्यों? 1,00,000 में तो पुलिस वाले से बात हुई थी, 40,000 पल्ले से डाल के देते क्या पुलिस वाले को? और कहीं डाका डाला तुमने? सुदेश के यहाँ डाला, वहां से 18 दर्जन संतरे मिले सड़े हुए। क्या? न खुद खाता ना दूसरों को खाने देता, पता नहीं रखता कहाँ है वो। किसी ढंग की जगह पर डाका डाला है तुमने कभी? हाँ डाला ना। हाँ कुछ ढंग का सामान मिला वहाँ से? हाँ। क्या? अली और काशिप के कमरे में डाला, दोनों साथ ही रहते हैं ना, फिर भी बे औलाद हैं पता नहीं क्यों। वहाँ से 200 साड़ियाँ मिली और 300 अंदर वाले चश्मे। क्या? अंदर वाले चश्मे? वाटर में जो पहनते हैं पागल, तेरा तो जहन ही गंदा है। वाटर में? वो मैंने रामगढ़ के लोगों में बांट दिया, रहीम चाचा और रामू काका भी ले गए, साड़ियां कम ले गए, चश्मा ज्यादा ले गए पता नहीं क्यों। अच्छा वो छोड़, तेरे पास कोई एक्स्ट्रा साड़ियां बची हो तो मुझे दे देना। ये साड़ी तो मैंने रहीम चाचा को दी थी। हाँ बहुत ही आ रहा ना है उससे। क्यों? क्या लगता है तेरा? मंगेतर है मेरा। मंगेतर? माशाल्लाह मंगेतर है तो फिर नाच नाच। नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया है। क्यों? तेरा सर भारी है। सर भारी है? जाहिर है रहीम चाचा इस उम्र में सर ही भारी कर सकता है। नहीं नाच वरना ये असला भी चलेगा, ये असला भी चलेगा, कोई तो लगेगा तुझे। अच्छा अच्छा नाचती हूँ। बोल तेरे कैसे हैं अदाएं कैसी हैं मनुष। ओए ओए पकड़ जरा, खुजली हो रही सहेली, जरा पीठ खुजा दे। पीठ खुजाऊं तेरी? अब बता कितनी गोली है? किसमें? जाहिर है बंदूक में। बहुत दिन से चलाया नहीं, अंदाजा नहीं है। सही सही बताओ कितनी गोली है? 3। आदमी एक गोली 3? बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी। अब ठीक है, आदमी भी है गोली भी है, ये भी नाइंसाफी है। चुप नाच।
अभी तू नाच, मुझे नचाया ना तूने? नहीं। चल नाच। नहीं। मैं कह रही हूँ नाच। नहीं। नाच। गब्बर बसंती हो गई। नहीं। नाच। चल नाच। एक तरफ से सींग निकली हुई इसकी। अर्चना जी क्या कहेंगे, ये वैम्प और गब्बर का डांस कैसे लगा आपको? हालांकि शकील आपने काफी कुछ दिखाया अभी, लेकिन आज वो बात नहीं आ रहा हो रही है, और वो मजा नहीं आ रहा मुझे जो हमेशा आप लोगों के परफॉर्मेंस में है। Somehow things are not working. कोशिश में कहीं कमी नहीं है, और आप लोग सब बड़े फनकार हैं और मजे हुए कलाकार हैं, पर इट्स नॉट हैपनिंग। आई थिंक ये काफी अच्छे स्टैंडर्ड का था। आई नो थोड़ी वीकनेस होती है, कई बार स्क्रिप्ट नहीं होते, बट फिर भी आई टेल यू आई पर्सनली लाइक इट, इट्स अ बिल्ड इन परफॉर्मेंस, वेरी वेरी गुड। वक्त आ गया है कि आप मार्क्स दें। यही दो नंबर चल रहे हैं हमारे बीच में। 7 points, ऑलराइट, और शेख की तरफ से भी 7 points, ऑलराइट। थैंक यू ऋषि, थैंक यू शकील, थैंक यू। शोले के एंड में ठाकुर ने गब्बर को अपने जूतों से मारा था, और ठाकुर के जूतों की कील से गब्बर को सब टिक हो गया था, और उसे अपने दोनों हाथ कटवाने पड़े। तो अब पहली बार शोले के बाद की कहानी सुनिए, टुंडे ठाकुर और टुंडे गब्बर की जुबानी। प्लीज वेलकम ठरकी गब्बर स्वप्निल और ठरकी ठाकुर वीआईपी। ठाकुर इस बात पे मिलाओ हाथ। आए गब्बर आए हो, कैसे हो तुम, फाइन थैंक यू। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं ठाकुर। हाँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए रामलाल को मेरे पास भेज दोगे? मैं उससे अपनी गाड़ी धुलवाना चाहता हूँ। नहीं, रामलाल सिर्फ मेरी धोता है। तो मैं क्या करूँ ठाकुर, मैं क्या करूँ? जब से तुम्हारे पैरों के जूतों के कीलों की सेफ्टी की वजह से मेरे हाथ कट गए हैं, कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता। हा? तो ये चैन उतार के फेंक क्यों नहीं देते बेचैन आदमी? पकाओ मत ठाकुर, पकाओ मत। तुम शरीफ आदमी हो, ऐसे घटिया जोक मत करो। मैं और शरीफ आदमी? हाँ। कौन कहता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ? शराबत तो मैंने उस दिन छोड़ दी थी जिस दिन मैंने बसंती को पहली बार नहाते हुए देखा था। बसंती को नहाते हुए देखा? हाँ, कब देखा, कब देखा, बताओ कब देखा? वो हवेली के बाहर अपनी धनों को घास खिला रही थी है? और मैं अपने ओपन बाथरूम में नहा रहा था। तू नहा रहा था? तू तू चुप करो गब्बर, वो मेरी जान पहचान वाली है। जान पहचान वाली है कि जान है? हाँ जान है, वो तेरी जान है बसंती। नहीं है वो। तेरी जान कौन है ठाकुर? जान तो मेरी मौसी है। इसका मतलब बसंती खाली है, खाली है बसंती। तो हमारा टाका भिड़ा दियो बसंती के साथ ठाकुर, भिड़ा दियो हमारा टाका बसंती के साथ। अगर ऐसी बात है तो कल गांव की काली पहाड़ी के पीछे हाँ। मैं उसे आगे से बुलाऊंगा हाँ। तुम पीछे से मिल ले। मगर ठाकुर कहीं उसके साथ वो वीर आ गया तो? घबराने की कोई बात नहीं, तुम अपने साथ 4-5 कुत्ते लेकर आना, वो उनका खून पीने में बिजी रहेगा, और तुम बसंती के साथ इजी हो जाना। मैं समझ गया ठाकुर, मैं समझ गया, तेरे तो छुपाने के हाथ अलग हैं और दिखाने के हाथ अलग हैं। चुप करो गब्बर वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। अच्छे मुझे कुछ और याद आ गया ठाकुर, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में भी एक खबर है कि तूने अपने बिना हाथ की जवानी में बहुत काला कांडी की है ठाकुर, बहुत काला कांडी की है तुमने।
तो हमें भी दे दो दो चार टिप बिना हाथ की जिंदगी के बारे में ठाकुर, हमें भी दे दो दो चार टिप। पूछो। जब हम बसंती को बिना हाथ के मिलने जाएंगे तो मैं उसे फूल कैसे दूंगा ठाकुर? सीधी सी बात है, तुम उसे मुंह से तोड़कर दे देना। मुंह में नहीं हाथ में दो। पर हाथ का है ठाकुर? बसंती के तो है ना। ठाकुर अगर फूल देने के बाद मैं बसंती को गले लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊं ठाकुर? एक बात कान खोल के सुनो कपाल, तुम्हारे हाथ नहीं है गला तो है ना। गले ऐसे मिल लेना। मजा आ गया ठाकुर, इस बात पे दे ताली। और अगर इस सब के बाद मैं बसंती के साथ चुप करो गब्बर, सब कुछ तुम ही करोगे या बसंती के लिए भी कुछ छोड़ोगे? इसी बात पर गब्बर दो ताली। इस ताली के चक्कर में इस बार गब्बर के पैरों में भी सेप्टिक हो गई और उसे अपने पाँव भी कटाने पड़े। आओ गब्बर, बसंती को मिलना चाहोगे? अरे अब बसंती को मिलके क्या करूंगा ठाकुर, अब तो मेरा शटर ही डाउन हो गया। शटर डाउन। तो आइए जानते हैं कि ठाकुर और गब्बर की हरकतें अर्चना को कैसी लगी। इट इज डेफिनेटली नॉट VIP and Swapnil standard, definitely. Okay. So, मैं थोड़ा सा disappointed हूँ। कोई बात नहीं। Thank you, ma'am. We'll improve. शेखर। अगर स्क्रिप्ट में कहीं कमी रही है, तो इसमें आप दोनों का हाथ नहीं है। आप दोनों बहुत ही मजे हुए एक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर आकर जैसे कह सकते हैं कि एक क्रिएटिव डेड एंड आ गया था, जिसमें आप लोग फंस गए। So, bit of a disappointment there. जेलर साहब। Yeah, हम खुश हुए। Very nice. Thank you, sir. Thank you. कांटे की टक्कर, जहां आज शोलो के सारे कैरेक्टर्स दुश्मनी बुलाकर एक हो गए हैं, इस खुशी को सेलिब्रेट करने कोई स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आई है। So please welcome बच्चों की शोले नंदिनी। कहाँ मर गए सब के सब? राखी सावंत को लाने गए थे ना, फिर भी आ गए खाली हाथ। क्या सोच के रहे थे? सरदार बहुत खुश होगा, सब हंसी जाएगा। स्वर्ग बच्चों आठू गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरदार, राखी सावंत ऐसे नहीं आती सरदार, वो जहाँ भी डांस करने जाती है वहाँ आग लगा देती है सरदार। इसलिए वो पूरे मीडिया, पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ आ रही है सरदार। लो आ भी गई। नहीं राखी, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती, जो भी बोलती दिल से बोलती। मैंने नाम के लिए क्या क्या नहीं किया, अलमीका से पंगा लिया, परभिषेक को थप्पड़ मारा, पर मजबूरी में मैंने कितना ड्रामा भी किया था। और अब मैं गब्बर की पार्टी में डांस जरूर करूंगी, गब्बर तो मुझे पैसे भी दे रहा है, फिर क्यों ना करूं डांस। हाय, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या बात है वीआईपी, कि राखी को बनाया गया है अभिषेक के लिए। मैं क्या समझाऊं? मैं गब्बर को समझाने गया, गब्बर ने मेरे दोनों हाथ काट दिए। लेकिन जाया और मेरे भी राखी को समझा नहीं सके। अगर राखी खुद समझ जाए तो ठीक है, वरना से समझाने वाला इस दुनिया में कोई फायदा ही नहीं। क्या बात। अटेंशन,
तेरी क्या? हमने कहा टेंशन। हम अंग्रेजों के जमाने से आइटम डांस देखते आ रहे हैं। हाँ। क्या दियो? कान खोल कर सुन लो। अब तक इस जेल में जो भी होता रहा है, अब से वो नहीं होगा। हाँ। अब से डिनर में आइटम डांस, लंच में आइटम डांस और ब्रेकफास्ट में आइटम डांस देखने को मिलेगा। Very nice. कहाँ रह रहा कि सावन का डांस? मुझे भी बता, मैं भी उससे डांस सीखूंगा। मेरे कोई रन नहीं है क्योंकि मैं पेटी ज्यादा और डांस कम करता हूँ। राखी सावन तुम मेरे रन बन जाओ, मैं इतना भी बैड लुकिंग नहीं हूँ। कितनी आवाज नहीं आ रही? देखे मैं झूठ नहीं बोलती, और तुम कौन हो? तुम तो शोले पिक्चर में हो ही नहीं, फिर कहाँ से आ गए? वो तो मैं भी जानता हूँ कि मैं शोले पिक्चर में नहीं हूँ, लेकिन तुम भी तो शोले पिक्चर में नहीं हो। आओ दोनों एक साथ डांस करें और शोले भड़काए। थैंक यू। पूछो नहीं बेटा। नंदिनी कपूर। बेटा आप अपनी आवाज निकाल के दिखाओ। मेरी आवाज यही है। Which class are you from? Second. You're brilliant, beta. Fabulous. Mind blowing. Very good, Nandini. A huge round of applause. हमारी नंदिनी, कमीटी नंदिनी, thank you so much हमारे शो पे आने के लिए. Thank you. Thank you. गब्बरों की टक्कर तो हो गई खत्म। मिलते हैं अगले हफ्ते जहाँ होगा बच्चों का एग्जाम। जी हाँ, हमारा अगला एपिसोड है किड स्पेशल, बच्चे मन के सच्चे, जिसमें हर जोड़ी में से कोई एक बच्चा जरूर होगा। तो अगले हफ्ते एग्जाम में अटेंडेंस जरूरी है, क्योंकि अगले हफ्ते आज के स्कोर्स भी जोड़े जाएंगे और कोई एक जोड़ी होगी एलिमिनेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक यही बिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।